मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, बाला साहब ठाकरे शिवसेना कश्मीर, बाला साहब ठाकरे जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद। मैं मीनाक्षी छिबर महिला अध्यक्ष शिवसेना बाला साहब ठाकरे से हूँ। आज जो हम यहाँ पर आए हैं, मतलब कि हमारा एक विजिट था यहाँ आने का, यहाँ के लोगों को साथ मिलने का, उनको जोड़ने का, मगर हमें जो है हिंदू पार्टी को है जो यहाँ पर नहीं आने दिया जाता है। पता नहीं क्यों, एक जो भारत है वो भी एक कश्मीर जो है वो भी एक भारत का एक हिस्सा है, अंग था, है और रहेगा हमेशा, मगर हमें यहाँ पर आने से पता नहीं क्यों इनकार किया जाता है, मना किया जाता है। हमें बनिहाल में इन्होंने रोका, पुलिस कर्मियों ने हमें बनिहाल में रोका। वहाँ से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष मनीष सानी जी हमारे साथ आए थे और उनके साथ कुछ नेता भी हमारे साथ थे, जिनको वहाँ से रवाना वापस जम्मू की तरफ किया गया, उनको वहाँ से छोड़ा गया, वहाँ जम्मू तक छोड़ा गया। और हम जो महिला इकाई है, हम किसी न किसी तरह छुपते छुपाते वहाँ से टर्न लेकर वापस कश्मीर में आया, कश्मीर के साथ रूबरू होना चाहते थे। हम इनके हालात आपके माध्यम से बताना चाहते थे कि ये जो करते हैं वो सब कुछ गलत है। अगर भाजपा सरकार बोल रही कि यहाँ के हालात ठीक है, तो हमारे हमें यहाँ पे जम्मू में आने का अधिकार क्यों नहीं दिया जाता? हमें इनसे कोई परमिशन या इजाजत नहीं लेनी है हमें कश्मीर में आने के लिए, मगर ये फिर भी हमें यहाँ पे आने से मना करते हैं। मैडम, आप कश्मीर में हैं तो आप बताइए आपको कैसे हालात दिख रहे हैं 370 हटने के बाद, क्योंकि 2 साल पूरे हो गए। 370 हटने के बाद, जैसे पहले ही मैं बता रही हूँ, 370 हटने के बाद कोई हालात हमें अच्छे नहीं दिख रहे, क्योंकि हमें ही आने से मना किया जा रहा है और बाहर के विदेशियों को यहाँ बुलाकर उनका मुआयना कराया जा रहा है, यहाँ पे उनको इज्जत मान दिया जा रहा है और हम अपने हिंदू यहाँ पे नहीं आ पा रहे। इससे बड़ा आपको मैं और क्या बताऊँ? देखिए मेरी बात सुनिए, हिंदू हिंदू का कार्ड खेलने वाली बात नहीं है। अगर हम भी इसी जगह का एक हिस्सा है, अगर हम अपनी पार्टी को लेकर यहाँ आए हैं, हम आपसे रूबरू होने आए हैं, कुछ लोग हैं जो हमसे ज्वाइन होना चाहते हैं, कि हम यहाँ पर नहीं आ सकते थे? बिल्कुल तो आ सकते हैं, लेकिन आप हिंदू का कार्ड क्यों खेल रही कि हिंदू जमातों को यहाँ आने की? तो बताइए आप ही मुझे बताइए फिर क्यों नहीं इजाजत दी जा रही हमें यहाँ पे, जबकि हमारे पास हमने हर डिपार्टमेंट में रिटर्न लेटर दी गई है, उसके बाद भी हमें इजाजत नहीं दी गई यहाँ पे आने की? क्या आप सीधे भाजपा सरकार को इसके लिए? बिल्कुल, मैं तो सीधे भाजपा सरकार को ये इन्फॉर्म कर रही हूँ, ये बता रही हूँ कि उनकी ही सब ये चीज है जो हमें यहाँ पे आने से मना किया जा रहा है। भाजपा सरकार जब मर्जी यहाँ पर आके अपने बयानबाजी कर सकती है और हम नहीं आ सकते यहाँ पे? अब आपकी क्या डिमांड रही है? हमारी डिमांड यही है, अगर 370 हटी है, अगर आप कह रहे हो कि हाँ यहाँ के हालात ठीक है, तो हमें भी उसी तरह से आने दिया जाए जैसे भाजपा सरकार यहाँ पे आके घूमती है।